सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर। छतरपुर की बक्सवाहा नगर परिषद में चल रहे निर्माण कार्य सवालों से घिरते जा रहे हैं। डिवाइडर निर्माण में ठेकेदार द्वारा गिट्टी की जगह मिट्टी मिलाई जा रही है। घटिया निर्माण पर जिम्मेदारों ने आंखें बंद कर रखी है। भविष्य में शहरवासियों को घटिया निर्माण का खामियाजा उठाना पड़ेगा। डिवाइडर निर्माण का कार्य शुरू से ही विवादों में घिरा हुआ है। ठेकेदार द्वारा उक्त निर्माण कार्य में जहाँ पर शुरुआत में चार प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाना था, वहां पर गिट्टी का उपयोग न कर घटिया किस्म की सामग्री का उपयोग की जा रही है, जिसमें 10% गिट्टी और 90% मिट्टी शामिल है। शासन ने डिवाइडर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जो घटिया निर्माण की भेंट चढ़ती दिख रही है। घटिया सामग्री के उपयोग को लेकर कहीं ना कहीं नगर परिषद के जिम्मेदारों और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कठघरे में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य से नगर में आए दिन अनेक हादसे घटित हो रहे हैं। हमारे चैनल ने इस घटिया निर्माण पर जब नगर परिषद के इंजीनियर शोभित मिश्रा से बात की गई, तब वह एस्टीमेट का अध्ययन कर निर्माण कार्य में कुल 6 प्रकार की सामग्री उपयोग किए जाने का राग अलापने लगे। जबकि धरातल पर अगर नजर डाली जाए तो विकास कार्य में सिर्फ 1 ही प्रकार की सामग्री उपयोग में लाई जा रही है, जो गुणवत्ताहीन है। चौड़ीकरण साहब, चौड़ीकरण मार्ग में सबसे पहले रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। दोनों साइड 3-3 मीटर की रोड की बाइंडिंग कार्य किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम 0.526 सेंटीमीटर को खोदा जा रहा है। पहले रोड को दोनों तरफ 3-3 मीटर की चौड़ाई में खोदा जा रहा है। उसके बाद सबसे पहले इसमें सब ग्रेड मटेरियल 15 सेंटीमीटर का बेस बनाया जा रहा है खुद के। उसके बाद 53 mm मैक्सिमम साइज 53 mm की मेटल का उपयोग कर उसमें 0.10 सेंटीमीटर की लेयर डाली जा रही है। उसके बाद 30.5 mm मैक्सिमम साइज के एग्रीग्रेट का 0.075 मीटर की लेयर डाली जा रही है, और उसके ऊपर 30 CVR से कम की एग्रीग्रेट मटेरियल की 0.15 सेंटीमीटर की लेयर डाली जा रही है। और इन 4 लेयरों के बाद उसके बाद सबसे पहले BM की इसमें डामर का BM का कोट किया जाएगा, जो कि 0.05 मीटर्स में इसकी थिकनेस होगी। उसके बाद BC की लेयर की जाएगी, जो कि 4 सेंटीमीटर मोटी होगी। वर्तमान समय में जो सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, उसमें गिट्टी की मात्रा कम और मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि 4 लेयर का काम चल रहा है, क्योंकि पहला लेयर डाला जा रहा है उसमें भी मिट्टी की मात्रा अधिक है, जो मौके पर देखी भी जा सकती है। इसके संबंध में आपका क्या कहना है? इसके संबंध में सबसे पहले जो वहाँ पर लेयर डाली जानी थी 15 सेंटीमीटर की जानी थी, सब ग्रेड मुरम की लेयर डाली जानी थी 15 सेंटीमीटर। इस कारण से आपको वहाँ पर मुरम प्राप्त हो रही है। एवं इसके बाद जो मेटल की लेयर डाली जा रही है उसमें 53 mm से मैक्सिमम साइड एग्रीगेट की लेयर डाली जा रही है। और उक्त लेयर डल जाने के बाद 10 सेंटीमीटर की लेयर डल जाने के बाद 37.5 मैक्सिमम एग्रीगेट की लेयर डाली जा रही है। इसमें जो भी मेटल का रेशियो है वो अंडर 35 mm के अंदर का है एंड 37.5 mm के अंदर का है, एवं 30 CVR के अंदर का इसमें मेटल का उपयोग किया जा रहा है। उक्त मेटल का डलवाया जा रहा है, एवं उक्त मेटल का सैंपल लेके लेबोरेटरी भेजी गई है जांच। अब देखना यह है कि डिवाइडर निर्माण में गुणवत्ता कैसी आती है। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर, संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटी कुंदन पोलकी इटालियन ज्वेलरी, IGI द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर।